नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। देश के अलग अलग राज्यों में केंद्र सरकार की सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना का लगातार विरोध हो रहा है। कई जगहों पर यह विरोध हिंसक भी हुआ है। एक तरफ जहां बीजेपी के समर्थक इसके गुण गा रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी समेत कई राजनीतिक दल इसके विरोध में आ गए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अग्निपथ योजना को लेकर बीजेपी और नौकरी ऑफर करने वाले उद्योगपतियों पर निशाना साधा है। मंगलवार को दो अलग अलग ट्वीट करके अखिलेश ने बीजेपी को अपने उन सदस्यों समर्थकों की सूची जारी करने की चुनौती दी जो अपने बच्चों को अग्निवीर बनने के लिए भेजने वाले हैं। अग्निवीरों के लिए नौकरी का वादा करने वाले उद्योगपतियों पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने चुनौती दी है कि पहले आज के सेवानिवृत्त सैनिकों को तुरंत अपनी कंपनियों और कार्यालयों में नौकरी दे दें। अखिलेश ने ट्वीट के जरिए तंज कसते हुए लिखा कि अग्निवीरों को भविष्य में अपनी कंपनी और कार्यालयों में नौकरी देने का जो भी भावी वादा बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, उनके इस वादे पर युवा भरोसा कर सके, इसके लिए हम ऐसा वादा करने वालों का सहयोग करना चाहते हैं। उन्हें आज के सेवानिवृत्त सैनिकों की सूची तत्काल भेज रहे हैं। वो उन सेवानिवृत्त सैनिकों को तुरंत अपनी कंपनियों और कार्यालयों में नौकरी देकर अपने वादे की सत्यता और गंभीरता अभी साबित करें, जिससे भावी अग्निवीर उन पर 4 साल बाद भरोसा कर सके। भरोसा कथनी नहीं, करनी से पैदा होता है। बीजेपी को चैलेंज करते हुए अखिलेश ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि भाजपा जिस तरह अपने समर्थकों से अग्निवीर के तथा कथित फायदे गिनवाने में लगी है, उससे अच्छा होगा कि भाजपा अपने उन सदस्यों की सूची जारी करे जो इस योजना में अपने बच्चों को भेज रहे हैं। प्रवचन देने से अच्छा है भाजपा खुद उदाहरण पेश करे, भाजपा युवा का अपमान बंद करे। अग्निपथ योजना का लगातार विरोध हो रहा है। एक तरफ कुछ युवा इस योजना को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो उन्हें कई राजनीतिक दलों का सहयोग भी मिल रहा है, तो दूसरी तरफ भाजपा के नेता इस योजना के फायदे गिना रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अब अखिलेश ने भाजपा के उन नेताओं पर तंज कसा है जो इस योजना के फायदे गिना रहे हैं। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।